हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी के साथ में छोले कुलचे बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कुलचे बनाने की रेसिपी मैंने ऑलरेडी चैनल पे शेयर की हुई है, ज़रूर चेक कीजिएगा। तो आज मैं आप सभी के साथ में वो छोले बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि मार्केट में वो ठेले वाले वो मस्त से छोले कैसे बनाते हैं, जो कि इतना सिंपल होता है लेकिन खाने में इतना टेस्टी लगता है। तो चलिए बिना बकबक के हम फिलहाल तो वीडियो शुरू कर देते हैं। तो छोले कुलचे के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मटर। ये जो सफ़ेद मटर आती है ना, वो हमें चाहिए। हरी मटर नहीं चाहिए, ना कि हमें छोले चाहिए। और मटर को पहले तो अच्छी तरीके से आप धुल लीजिएगा और फिर इसे आपको ओवरनाइट सोक करने के लिए रखना है। मिनिमम 8 घंटे तो इसे रखना ही है, क्योंकि इसे फूलने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मटर हमारी अच्छी तरीके से फूल चुकी है, मस्त दिख रही है ना। कलर आप देखेंगे चेंज हो गया है, ऐसे ही होता है। तो बस इसे उबाल लेते हैं। तो एक कुकर ले लीजिए। कुकर में सबसे पहले मैं डाल देती हूँ मटर, जो कि हमने भिगो कर रखी थी। और अब इसमें मैं डाल देती हूँ पानी। आप देख लीजिएगा कुकर में जितनी मटर है उसके ऊपर करीबन 1 इंच पानी आपको रखना है। अब इसमें आप डाल दीजिए थोड़ा सा नमक। मैं करीबन 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ। पीली पीली मटर मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। अब बस इसे हमें अच्छी तरीके से पका लेना है। करीबन 1 सीटी आपको हाई फ्लेम पर लेनी है और उसके बाद 4 से 5 सीटी आपको धीमी आंच में लेनी है। तो चलिए, जब तक मटर हमारी हो रही है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए इमली। तो यहाँ पर मैंने अच्छी खासी इमली ले ली है। तो एक बाउल में मैं इमली डाल रही हूँ और इमली का पल्प निकालने के लिए मैं इसमें डाल देती हूँ अच्छा खौलता हुआ पानी, ताकि इमली अच्छी तरीके से फूल जाए। और करीबन इसे 15 से 20 मिनट छोड़ दीजिएगा। और जब 15 से 20 मिनट बाद आप इसे देखेंगे ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका होगा और इमली काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी होगी। तो बस इसे पहले तो थोड़ा सा आप मैश कर लीजिए और फिर इसे छान लीजिएगा, ताकि इमली का जो गूदा है वो अलग हो जाए। जो उसमें बीज होंगे, उसमें काफ़ी सारे रेशे होते हैं, वो अलग हो जाएगा और आपको इमली का पल्प बनकर मिल जाएगा। तो ये देखिए, हमारा इमली का पल्प बिल्कुल तैयार है। कंसिस्टेंसी देखिए। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब हम तैयार कर लेते हैं चटनी, जो कि हम अपने मटर में डालेंगे। तो यहाँ एक ग्राइंडिंग जार में मैं करीबन 1 मुट्ठी भर के हरी धनिया पत्ती ले रही हूँ। 1 हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दी है और जो हमने इमली का पल्प बनाया था वो यहाँ पर करीबन 3 से 4 चम्मच मैं डाल रही हूँ। अब इसमें मैं डाल दूंगी करीबन 1/2 छोटी चम्मच काला नमक, 1/4 छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर और इसे मैं पीस लूंगी। यहाँ पर मैंने ना सफ़ेद नमक नहीं डाला है। और बस ये देखिए, ये हमारी हरी चटनी बिल्कुल बनकर तैयार है, जो कि हम मटर में डालेंगे। और ये ना इतनी टेस्टी लगती है ना, मतलब तीखी है, खट्टी है और वो इमली वाला खटास है, तो वो बहुत टेस्टी लगता है। अब हम तैयार कर लेते हैं हरी मिर्च, जो कि छोले कुलचे के साथ सर्व की जाती है स्ट्रीट में। मिर्च बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं थोड़े से मसाले। तो यहाँ एक बाउल में मैं ले रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच काला नमक का पाउडर और यहाँ पर मैंने ले लिया है थोड़ा सा इमली का पल्प। तो करीबन 2 चम्मच के बराबर है इमली का पल्प। अगर आप इमली का पल्प नहीं यूज़ करना चाहते तो नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सभी के घर में अचार तो होता ही है और अचार में एक्सेस का मसाला भी सभी के पास होता है। तो बस 2 से 3 चम्मच वो मसाला ले लीजिए। मैं यहाँ पर आम के अचार का मसाला ले रही हूँ और सारी चीज़ों को हम एक बारी मिक्स कर लेंगे। और ये मिर्च के लिए मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। इससे खुशबू इतनी ज़्यादा टेस्टी आ रही है ना, कि आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे ये मिर्च खाने से। अब क्योंकि यहाँ पर हम बनाने वाले हैं मिर्च, ऑब्वियसली चाहिए मिर्च। तो यहाँ पर मैंने कुछ मिर्च ले लिए, थोड़ी मोटी वाली मिर्च लीजिएगा। और मिर्च को ना मैंने स्लिट लगाकर 2 भाग में बांट लिया है। तो चलिए, मसाला भी है, मिर्च भी है, अब फाइनली हम तैयार कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर एक तवा ले लीजिए। तवे में मैं डाल देती हूँ ये मसाला और उसी के साथ में मैं यहाँ पर डाल देती हूँ मिर्च।
गैस की फ्लेम आपको लो टू मीडियम रखनी है और मिर्च और मसाले को आपको भून लेना है। अभी आप देखेंगे मसाला बिल्कुल अलग अलग है, इसे आपको तब तक भूनना है जब तक मिर्च ना ये मसाला पूरा सोक नहीं कर लेती। तो आप जैसे जैसे भूनते जाएंगे ना तो आप देखेंगे, जैसे जैसे आप इसे पकाते जाएंगे ना तो आप देखेंगे जो मसाले का गीलापन है वो कम होता जा रहा है और वो बिल्कुल मिर्च के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मिर्च का अचार है। भाई ये मिर्च का अचार ही समझ लीजिए, इंस्टेंट वाला, बस 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए हमारी मिर्च बनकर तैयार है, मिर्च हमारी तैयार है। देख लेते हैं मटर के क्या हाल है। मटर की सीटी आपको नहीं निकालनी है, उसे अपने आप नेचुरली निकलने देनी है। और फिर देखिए मटर हमारी अच्छी तरीके से पक गई है, हल्की सी मशी है, ज़्यादा अलग अलग दाने भी नहीं है। अलग अलग मुझे पसंद नहीं आते पर्सनली, अगर आपको पसंद आते हैं तो आप वैसे भी रख सकते हैं। अब मटर को मैंने निकाल के रख लिया है एक बाउल में। तो चलिए अब मटर बनाने के ना सारी जितनी भी लॉन्ग प्रोसेस थी हो चुकी है, अब बस क्विकली हम बना लेते हैं हमारी मटर। सारी चीज़ें मैंने एक जगह रख ली हैं, मटर है, प्याज को मैंने बारीक कट करके ले लिया है, टमाटर को बारीक कट करके ले लिया है और हरी धनिया पत्ती भी ले ली है। साथ में जो हमने चटनी बनाई थी बस इतनी ही चीज़ें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मार्केट में ना ठेले वाले इतनी तैयारी करके रखते हैं और जैसे जैसे उनके ग्राहक आते जाते हैं वो मटर तैयार करते जाते हैं, लेकिन घर में तो हम एक साथ सब लोग फैमिली मिलके खाने वाले हैं ना, तो हम मटर एक साथ तैयार कर लेते हैं। पैन में हमें कुछ घी तेल मक्खन कुछ नहीं डालना है, अभी डायरेक्ट आप उसमें डाल दीजिए। साथ ही में मैंने इसमें डाल दी है चटनी और बस मिक्स कर लीजिए। अरे धनिया पत्ती डालना तो भूल ही गए, धनिया पत्ती भी डाल दीजिए और इसमें आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि इसमें ना हमने वो हरी चटनी डाली है वो ऑलरेडी बहुत तीखी है। ये हरी मिर्च इतनी तीखी थी ना कि ये चटनी इतनी तीखी हो गई है कि मुझे और मिर्च डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। अगर आपको इसमें खटास कम लगे ना तो जो हमने इमली का पल्प बनाया था तो आप वो भी डाल सकते हैं। देखिए घर में किसी को सब्र नहीं हो रहा है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, बस पैन से ही खाया जा रहा है। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ना इसमें हम थोड़ा सा नमक और डाल देते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा काला नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर डाल रही हूँ और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी काले मिर्च का पाउडर। ये ऑप्शनल है लेकिन अगर आप डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बेसिकली इसे टेस्ट नहीं लेकिन हाँ एक अलग सा तीखापन आता है जो कि ना गले में लगता है तो वो बहुत अच्छा लगता है, वो स्ट्रीट वाली फीलिंग आ ही जाती है। बस सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए और बस ये आपका मटर तैयार है। बस एक चीज़ और इसमें हम डालेंगे, ये सीक्रेट है, वैसे तो ये स्ट्रीट वाले नहीं डालते हैं लेकिन आप डालेंगे तो आपके मटर बहुत टेस्टी लगेंगे, वो है बटर। 1 चम्मच बटर इसमें डाल के इसे मिक्स कीजिए, गैस की फ्लेम बंद कीजिए और बस गर्मा गर्म मटर सर्व कीजिए। बटर से ना एक बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, मटर में ना ग्लेज भी आ जाता है। तो चलिए अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। मटर को तो मैंने निकाल लिया है लेकिन अब हमें ना कुलचे को थोड़ा सा सेक लेना है। कुलचे को ना आप 2 तरीके से सेक सकते हैं। एक तरीका ये है कि इसी पैन में आप थोड़ा सा ना मटर डाल दीजिए, थोड़ी सी हरी चटनी डाल दीजिए, थोड़े से प्याज डाल दीजिए और थोड़ा सा बटर डाल दीजिए। मिक्स कीजिए सारी चीज़ों को और फिर इसमें रख दीजिए कुलचे और कुलचे में थोड़ा सा और बटर लगाइए और दोनों तरफ से इसे सेक लीजिए। एक ये तरीके से आप कुलचे को सेक सकते हैं। और हाँ ये जो कुलचे हैं ना ये मैंने घर में बनाए हैं, अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक हमारे चैनल पे है, आप ज़रूर देखिएगा। और दूसरा तरीका ये है जैसे कि हम ब्रेड सेकते हैं बस उसी तरीके से आप बाकी के कुलचे सेक सकते हैं, थोड़ा सा बटर लगा के दोनों तरफ से सेक लीजिएगा। तो ये आप दूसरे तरीके से भी कुलचे सेक सकते हैं। तो देखिए मैंने दोनों तरीके के कुलचे सर्व कर दिए हैं और ये हमारे छोले कुलचे की प्लेट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। एक बारी तो ये रेसिपी अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और छोले लग रहे हैं ना बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग, देखिए सिंपल तरीके से बने हैं लेकिन बहुत टेस्टी है। तो चलिए बाइट ले लेते हैं। और हाँ जो हमने ये मिर्च का अचार बनाया है ना इंस्टेंट वाला, वो ज़रूर इसके साथ में खाइएगा, मज़ा ही आ जाता है। मतलब मैं तो बोलते बोलते मुंह में पानी आ रहा है। और अगर आप रेसिपी ट्राई करते हैं तो मेरे साथ पिक्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं और फेसबुक पेज पे भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।